नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा की ऐतिहासिक धरती, परंतु एक युवा नगर जिसने महाभारत काल से लेकर अब तक कई थपेड़े झेले, आज हम उसी सिरसा पे बात करेंगे। सिरसा में लगातार बारिश कई दिनों से हो रही है, जिसने सिरसा शहर में नगर निगम की तथा प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से निपटने के लिए तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, जो इस समय खोखले नजर आ रहे हैं। बरसात से पहले ही कचरा रोड पर आ गया, वहीं कई इलाकों में नालियां लबालब भर चुकी हैं। स्थिति यह है कि थोड़ी तेज बारिश हुई तो लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं समय रहते निगम को कोई अगर उपाय नहीं सुझा तो बरसात के कारण बुरे हालात पैदा हो सकते हैं, जो शहर से बाहर की तमाम कॉलोनियों में आपको देखने को मिलेंगे। सीवरों और नालियों की गंदगी गलियों में फैल चुकी है। ऐसे ही कुछ हालात हैं कीर्ति नगर के। सिरसा शहर के दक्षिण दिशा में ये कॉलोनी पड़ती है, जहाँ पर बने पक्के मकान पानी में खड़े हैं। खाली प्लाटों में पानी भरा हुआ है, जो सरेआम मच्छरों और बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जहाँ तहाँ नजर जाती है, वहाँ तालाब नजर आएंगे। टर्राते मेंढकों की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि सिरसा में सीवरों का पानी कैंटरों के द्वारा निकाला जाता है, मगर गंदगी को निकाल कर सड़कों पर बहा दिया जाता है, जिससे प्रशासन न केवल बुरे हालात पैदा करता है कि भी स्वच्छ भारत पर भी एक सवालिया निशान लगा रहा है। शहर में भी कई तरह की ऐसी गलियां हैं जहां से सीवरेज का कचरा निकालकर सड़कों पर आज भी पड़ा है। 5 से 6 दिन तक सड़कों पर सीवरों के ऊपर रखी मशीनें भी ज्यों की त्यों दिखाई देंगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने पार्किंग के लिए बेसमेंट बना रखे हैं। बरसात का पानी वहाँ घुस चुका है, पूरे शहर में जहाँ तहाँ दुर्गंध नजर आएगी। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है जो पैदल चलते हैं, और ऐसे में अगर समय रात का हो तो मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि ये बरसात का मौसम है, लेकिन फिर भी गलियां तोड़कर उनमें पाइपलाइन डालने का काम भी किया जाता है, और बरसात आने के बाद उस काम को अधर में छोड़ दिया गया। इन नालियों में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी पीने वाली पाइपों के साथ घरों में भी आ रहा है, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं मोहल्ले और स्थानीय लोग क्या कहते हैं। बलराम सिंह है भाई साहब, ये जो बरसात के बाद में इतना सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, प्रशासन ने कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया? प्रशासन दावे करते हैं जी, दावे इतने बड़े करेंगे जितना सोच सकते, लेकिन काम करने कोई तैयार नहीं है जी। तरह से जी यहाँ पर देखते हो जी, अपने डांगे फिर रहे इतने जी, यहाँ रेस्टोरेंट घर हो चुके हैं, जैसे मान लो यहाँ पर गंदगी फैलनी, मच्छर फैलने, बीमारी घर, इस आदमी गंदा पानी सीवरों मारा है, सामने पानी पड़ा आपके जी, ये पानी जब तक है नहीं यहीं पड़ा रहेगा, एक अगर मकान लोग गिर जाएगा उसके पसंद कहेगा हो ये क्या बात होगी, या ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो पता नहीं लगा। कॉलोनी वेद है पूरी, कॉलोनी सारी वेद है जी जी, सही कॉलोनी है एकदम, सही मकान सब प्लाट बिके हुए हैं। एमसी कौन है यहाँ का? एमसी यहाँ का सुखालिया जी, दो ग्राम सुखालिया, उनकी भरम पत्नी है, सुखालिया ओके, उसको ध्यान नहीं दे रखा जी, हम देखना चाहिए साइड में इतनी गंदगी फैल रही, डंगर फैले पड़े हैं, बच्चे निकलते हैं, ये डांगर है, एक्सीडेंट घर बन रहे जमा। हाँ अभी देखा तो पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसका स्थाई जो है यहाँ का जो प्रशासन है इसका कोई स्थाई समाधान नहीं कर रहा? जब ये पानी आता है इंजन लेके पहुँच जाते हैं आपका, बस इतना ही काम करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, इंजन से निकाल के फिर वो कहाँ डालते हैं पानी? सीवरों में डालते हैं जी। ओके, आज मेरा डाल दिया, पाँच गलियाँ बंद कर दी, उनका डाल दिया, मेरा बंद कर दिया, इन्होंने ये काम करा है। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद वर्मा। वर्मा साहब, जो ये गलियों का हालात है इस समय, जो सरपंच साहब भी बता रहे थे, क्या है कोई समस्या प्रशासन के सामने उठाई है? प्रशासन कल प्रशासन आया था, बजे का टाइम देके गया था। अच्छा, सवेरे 2 टैंकर उन्होंने पानी यहाँ से उठाया है, उसके बाद ढक्कन खुला छोड़ के जो गंदगी थी वो सारी बार आगे गड़ी गई है, मतलब पहले से डेढ़ पानी हो गया। अच्छा, पहले से ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। क्या कारण है? और कई जगह ये गलियाँ तोड़ भी रखी है, क्या इसका कोई टेंडर वगैरह नहीं हुआ अभी तक? टेंडर इनके हुए थे, लेकिन इनके 30 से ऐसे पहले पहले सारे काम कंप्लीट होने चाहिए थे। okay. और 30 से इनका सीवरेज ट्रीटमेंट किया, इनका भी दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने बरसात शुरू होने से पहले दिन गलियां तोड़ के चले गए कि पाइपलाइन डालेंगे आपके। ओके okay. नहीं तो पाइपलाइन जो डाले उसके बाद में उन्होंने डली नहीं, पाइपलाइन है। अच्छा, डली नहीं अभी, खोती गई, दूसरे दिन बरसात हो गई, उसके बाद बरसात बंद हुई नहीं। तो ये जो मोहल्ला वाले हैं इन्होंने कोई समस्या उठाई है प्रशासन के सामने? कल भी रोड पे जाम लगाया था, प्रशासन आया था, वो कह गया
क्लियर हो जाएगी, अब तक कोई आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आप कोई मांग रखना चाहें? मांग हमारी कोई लाइन क्लियर होनी चाहिए, ये लाइन ब्लॉक है, मेन लाइन ब्लॉक है, जितना पैसे खर्च कर रहे हैं ना इस पे इंजन लगा लगे, उससे तीन गुना पैसा मतलब उस पे खर्च हो रहा है। अगर सीधी लाइन क्लियर करते हैं तो मतलब बंद हो रही है, इधर से धक्के इधर पर डाल देते, इधर से धक्के इधर डाल देते, हर कोई। क्या नाम है जी आपका? तारीख करोड़। अरोड़ा साहब, ये क्या समस्या है इस मोहल्ले के अंदर? ये बहुत सारे लोग इकट्ठे कल भी हुए थे और बता रहे हैं कि सीवरों का पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, तो प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर पहुँचा है? सर, पहुँचना तो एक अलग बात है, पहुँच जाने के बाद भी अगर काम ना हो तो उसका कोई कंटिन्यू जब से बारिश है तब से ये प्रॉब्लम है, और बारिश छोटी सी भी आ जाए, एक बारिश तभी यहाँ पे ये जो गलिया देख रहे हो ये कम्प्लीट फुल हो जाती है। ओके, बच्चे बीमार हैं, अभी मेडिसिन दिलवा के लाया हूँ, इसीलिए भी पानी खराब आ रहा है, पीने का पानी भी खराब। अच्छा, पीने का पानी भी इसमें मिक्स हो गया है? मिक्स हो गया है, आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। ओके, अभी मेडिसिन दिलवा के लाए, अभी उसके सारे टेस्ट करवा के लाए। तो कोई शिकायत वगैरह कहीं भेजी हो आपने? शिकायत भेजी है, तो खड़े हैं साथ में, प्रॉपर रिपोर्टिंग चल रही है, हर चीज़ की रिपोर्ट वो कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब लगे हुए हैं इसके। ओके, देखना चाहिए प्रशासन को, कोई कुछ नहीं लेना, अब क्या नहीं है, ये हमेशा की प्रॉब्लम, और आप पानी को देख सकते हैं प्रॉपर चेक करके कि ये पानी किस तरह से मतलब हालात क्या हुए पड़े हैं, मतलब सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, अब घरों के अंदर पानी जा रहा है जी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन आया था यहाँ पर? कल यहाँ आए थे एक पर्सन, कल एक्शन आया था, पब्लिक हेल्थ एक्शन आया था, जी आया था, सारे ठेकेदार था उनका, ठेकेदार साथ थे, लेकिन वही सेम आप देख रहे हो, कोई कार्रवाई नहीं है, सेम वही की वही सिचुएशन, कश्मीर नहीं। जब तक मेन लाइन की सफाई नहीं होगी और मेन लाइन की सफाई नहीं होगी, कुछ से वो नहीं चलेगा, तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं होगा, चाहे कितना ही पैसा खर्च कर दे सरकार, एक से पांच गुना पैसा खर्च कर रही है सरकार, अभी जगह चेंज कर गए, पानी उठा रही है, उससे उठा के अगले में डाल देते, अगले चढ़ा के अगले में डाल देते, समस्या का कोई नहीं। चार से पांच गुना पैसा लग जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक से टैक्स लिए जा रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा, पब्लिक किस चीज का टैक्स दे रही है? बारिश के दिनों में काफी पानी इकट्ठा हो रहा है और सीवरेज भी हमारे लगभग बंद पड़े हैं। ओके, और इनकी सफाई हो जाए तो अच्छी बात है, मकानों को नुकसान बहुत हो रहा है, सफाई करवाने के लिए आप लोगों ने कहा है प्रशासनिक अधिकारी को? एक्शन साहब को भी कह रहा है, जी साहब को भी कह रहा है, तो वो तो कह रहे थे कि अभी जो है पानी के कैंटर यहाँ से निकाले हैं, निकाले गए रात में, लेकिन फिर भर गया, ये देखो, ये सीवरेज का पानी है, हाँ ये देख लो आपके सामने पड़े इधर इधर, ये सब मकानों के अंदर दिक्कत हो रही है, मकानों के अंदर पानी जा रहा है सब, और बहुत लड़ाई के बाद आज सुबह आया टैंकर, पहले से नहीं आया कोई, पहले कभी इसकी सफाई नहीं हुई, और ये कितने दिनों से ये चल रहा था? ये वैसे तो कई दिनों से समस्या है, काफी दिनों से समस्या है। स्वास्थ्य विभाग को कोई कहा है आपने कभी इस तरह से ये गंदा पानी जो है साफ करने के लिए? काफी बार कहा इनको लेकिन गौर नहीं कर रहे, ये अगर ये काम अगर महीने दो महीने पहले अगर ये मेन सीवरों की अगर सफाई हो जाए, मेन होल की सफाई हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, अब ये आगे पानी सप्लाई हो नहीं रहा, क्या करें बताओ? नहीं, पीने के पानी की जो समस्या आई है उसके अंदर मिक्स हो रहा बता रहे है, स्मेल आ रही है उसमें भी। ओके, क्योंकि उनके अंदर ये कनेक्शन जो है हमारे, उनके अंदर वो जो पानी आ रहा है उनके। हाँ जी सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहाँ आए और आपने हमारी हालात देखी, इसके लिए आपका आभारी हूँ। दूसरे नंबर ये है, जब से हमारा बूस्टिंग स्टेशन बंद हुआ है, जो पानी उठा के लटार को डालता था, ओके, वो जब से बंद हुआ है तब से इस मोहल्ले की हालात खराब हो गई है, और ये सफाई लाइन शुरू से लेके लटार से लेके और कीर्तिनगर के हर मेन होल की सफाई हुआ तब ये गाड़ी चलेगी। नहीं, वो बंद क्यों कर दिया गया, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोगों अधिकारी और सरकार जाने कैसे, हमने तो बहुत विरोध किया था, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, सारे के सारे सीवरेज जो है वो लगाए गए थे और बड़ा सुचारू रूप से चला गया था, उनका आदेश था कि तीन मोटरें तो ये रखो, तीन अलग से रखो, कभी भी हमारे इस तरह के हालात के आदमी खड़े हैं। नहीं नहीं, कोई तो ऐसी परिस्थिति होगी जिसकी वजह से वो बंद किया गया है, उनका अधिकारी जाने, लेकिन जिस दिन से हमारा बोस्टिंग बंद हुआ है तब से हमारे लोग मेहनत की कमाई मकानों के अंदर एक एक पैसा लगा के सारे मकान दर्जर हो गए और आज गंदगी में खड़े हैं, ये हमारा बेटा भी बच्चों को दुआई दुआ के लाया है और हर घर में कहीं ना कहीं बीमारी फैलने काट रहे हैं, दो चार गलियों का पानी निकला है, लेकिन ये परिस्थिति अगर बारिश और आ गई तो और गंभीर हो जाएगी, और बूस्टिंग को अगर सुचारू रूप से नहीं चलाया गया और मेन लाइन की जैसे वर्मा जी कह रहे थे सारी सफाई नहीं की तो हमारे हालात बदतर हो जाएंगे, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, मांग है
हमारी प्रशासन से मांग है कि सारे सीवरेज की सफाई की जाए, मेन लाइन की सफाई और बूस्टिंग हमारा दोबारा चालू किया जाए, और जो गलियां 147 नौ नंबर वार्ड की भेजी हुई है वो सारी की सारी आज तक जो गलियां बनी है वो आज से 18 और 17 साल पहले की बनी हुई है, वो दोबारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन गलियों को जो हमने नगर पालिका में 3 साल पहले पास किया था वो सारी की सारी मंजूर करके उनके टेंडर लगाए जाए और उन गलियों को बनाया जाए। ऐसी हालात जहाँ तक गंदे पानी का सवाल है, गंदा पानी आज से नहीं आ रहा, जब सीवरेज तो ओवरफ्लो हो जाता है तब गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। ओके जी। अब ये पाइपलाइन थोड़ी इन्होंने डालने इस साल शुरू की है, वो भी पूरी नहीं हुई, 2-4 गलियों में डली है, 2-4 इन्होंने फाड़ के छोड़ दी। अब रही बात कल प्रशासन आया, लेकिन प्रशासन कोई पूरी तरह से कोई कार्रवाई नहीं करा। हमारी सरकार से नरम निवेदन है कि इन लोगों की आगे सुध ले और ये पानी की निकासी करे और जो सड़कों के रेगुलेशन भेज गए उनको मंजूर करके सब गलियां बनवाई जाए। जी शुक्रिया।